हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ लेसन गॉड लव्स ह्यूमिलिटी। आज के लेसन में हम सीखेंगे रीडिंग, हाउ टू रीड एंड प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ द हार्ड वर्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। गॉड लव्स ह्यूमिलिटी। हेयर गॉड मीन्स भगवान, लव्स ह्यूमिलिटी भगवान। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, विनयशीलता। तो भगवान विनम्रता को प्यार करते हैं। जो इंसान विनम्र है, पोलाइट है, उसे पसंद करते हैं। डू यू बिलीव दैट गॉड लव्स द हम्बल। क्या तुम विश्वास करते हो जो भगवान है वो हम्बल लोगों को, विनम्र लोगों को पसंद करते हैं। बिलीव मीन्स विश्वास करना एंड हम्बल मीन्स जो विनम्र है उनको भगवान पसंद करते हैं। डू यू हैव फॉल्ट्स लाइक जेलसी, एंगर और रेवेंज फॉर अदर्स। क्या तुम में कुछ फॉल्ट्स हैं जैसे जेलसी मीन्स जलन, एंगर गुस्सा, क्या तुम्हें गुस्सा आता है जल्दी, या रेवेंज मीन्स बदला लेना, किसी से बदला लेने की तुम्हारे अंदर भावना है। तो इस चैप्टर को पढ़ के हम पता करेंगे कि गॉड कैसे लोगों को प्यार करता है, कैसे लोगों को पसंद करता है। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लार्ज बनियन ट्री। एक बार की बात है, वहां एक बड़ा सा बनियन ट्री था। लार्ज मीन्स बिग, बड़ा। बनियन मीन्स बरगद, बरगद का पेड़ था। द ट्री हैड अ ब्रॉड ट्रंक एंड मैसिव ब्रांचेज। पेड़ की ब्रॉड मीन्स बहुत ज्यादा चौड़ा, ट्रंक मीन्स तना, तो उसका जो तना था वो क्या था, बहुत ज्यादा चौड़ा था। एंड जो उसकी ब्रांचेज थी, ब्रांचेज मीन्स उसकी शाखाएं, तो क्या थी, मैसिव मीन्स, मैसिव मीन्स होता भारी, भरकम, वेरी बिग, बहुत बड़ी। जो उसकी ब्रांचेस थी बहुत बड़ी थी, उसकी शाखाएं, ब्रांचेज मीन्स उसकी शाखाएं। इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स हाइट एंड ब्यूटी। तो उसे अपनी हाइट पे, अपनी ऊंचाई पे और अपनी ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता पे क्या था, प्राउड, प्राउड मीन्स घमंड। बनियन ट्री को अपनी हाइट पे, ऊंचाई पे और अपनी सुंदरता पे घमंड था। जस्ट अंडरनेथ द बनियन ट्री व्यू अ स्मॉल वीक सब। तो ठीक नीचे, किसके, बनियन ट्री के नीचे एक क्या था, वीक मीन्स कमजोर सब झाड़ी, एक स्मॉल छोटी सी कमजोर झाड़ी थी। द बनियन ट्री मेड फन ऑफ द सब एवरी नाउ एंड देन बाय कॉलिंग इट अ वीक प्लांट। बरगद का पेड़ हमेशा उस सब का, उस झाड़ी का मजाक बनाता था। मेड फन मीन्स मजाक बनाना, उसे क्या बोल के, वीक प्लांट, वीक मीन्स कमजोर, कमजोर पौधा बोल के उसकी हमेशा मजाक बनाता था। बट द हम्बल सब वुड जस्ट इग्नोर इट्स रिमार्क। लेकिन जो विनम्र झाड़ी थी, विनम्र झाड़ी हमेशा क्या करती थी, उसको इग्नोर करती थी उसके रिमार्क को, एंड उससे हमेशा पोलाइटली बात करती थी। पोलाइटली मीन्स विनम्रता से, हमेशा उससे पोलाइटली बात करती थी। वन डे देयर वॉज अ फीस स्टॉर्म। एक दिन वहां क्या हुआ, एक बहुत तेज तूफान आया। फीस मीन्स बहुत ज्यादा डरावना या एंग्री हम बोल सकते हैं, डरावना, एंग्री। स्टॉर्म मीन्स तूफान। देयर वर फास्ट ब्लोइंग विंड्स ऑल अराउंड। चारों तरफ क्या हो रही थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। विंड्स मीन्स हवा, ब्लोइंग मीन्स हवा का उड़ना। तो चारों तरफ बहुत तेज हवाएं चल रही थी। द हम्बल सब एडवाइज द ह्यूज बनियन ट्री पोलाइटली, डियर बनियन फ्रेंड। तो जो विनम्र झाड़ी थी उसने उसे एडवाइज किया, किसे, बनियन ट्री को, जो
ह्यूज बनियन ट्री था। एडवाइज मीन्स सलाह देना एंड ह्यूज मीन्स बिग, बड़े से बनियन ट्री को, बरगद के पेड़ को पोलाइटली उसे सजेशन दिया, एडवाइस दी कि डियर बनियन फ्रेंड कि बरगद के अपनी बरगद के पेड़ को एडवाइस दी, डियर फ्रेंड जस्ट बो डाउन एंड लेट द स्टॉर्म पास अवे। क्या सलाह दी झाड़ी ने बरगद के पेड़ को कि तुम नीचे झुक जाओ, बो मीन्स झुकना, और जो तूफान है उसे पास होने दो। सो डैट यू आर नॉट हार्म्ड बाय द फियर्स विंड्स, जिससे कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, किससे, इस भयानक हवाओं से, इन भयानक हवाओं से तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तुम नीचे झुक जाओ। द बनियन ट्री सैड, बनियन ट्री बोला, ओ यू लिटिल वीक प्लांट विल गाइड मी नाउ, तुम छोटे कमजोर पौधे क्या तुम मुझे अब गाइड करोगे। नथिंग कैन हार्म मी, मुझे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना। आई एम ह्यूज, मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हूँ। आई हैव माइटी ब्रांचेज, मेरी जो ब्रांचेज हैं वो क्या है, माइटी मीन्स शक्तिशाली, स्ट्रांग, मेरी ब्रांचेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी केयर कर सकता हूँ। यू बेटर थिंक अबाउट योर सेफ्टी, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। सेइंग सो द प्राउड ट्री स्टूड स्टिफ विदाउट पेइंग एनी हीड टू द सर्वेंट्स एडवाइस, ऐसा बोल के जो घमंडी पेड़ था वो कैसे खड़ा रहा, बिना झुके, स्टिफ मीन्स बिना झुके खड़ा रहा, और उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया सब की, उस झाड़ी की सलाह पे, बिना झुके खड़ा रहा और उसने कोई भी ध्यान उसकी सलाह पे नहीं दिया। द लिटिल शर्प लिसन्ड टू हिम क्वाइटली एंड डिड नॉट से एनीथिंग, जो छोटा छोटी सी झाड़ी थी उसने उसे सुना, क्वाइटली मीन्स शांति से, और कुछ भी नहीं कहा। इट जस्ट लोअर्ड इटसेल्फ एंड हेल्ड फास्ट टू द ग्राउंड, उसने अपने आप को नीचे की ओर झुका लिया और ग्राउंड की तरफ। एज लक वुड हैव इट द प्राउड बनियन ट्री वॉज हार्शली कॉट इन द स्टॉर्म, तो फिर क्या हुआ, जो घमंडी बनियन ट्री था बुरी तरीके से वो क्या हो गया, तूफान में, तूफान की पकड़ में बुरी तरीके से आ गया। द विलिंग विंड्स ब्रोक द ट्रंक ऑफ द बनियन ट्री एंड स्वेप्ट अवे इट्स ब्रांचेज एंड लीव्स, तेज हवाओं ने बनियन ट्री के ट्रंक को, तने को क्या कर दिया, उसके तने को और उसकी ब्रांचेज को, उसकी पत्तियों को वो दूर उड़ा के ले गए, उसे तोड़ दिया। बट द लिटिल हम्बल शब वॉज अनहार्म्ड, लेकिन जो छोटा विनम झाड़ी थी वो, उसे कोई भी हार्म नहीं हुआ था, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इट इज वेरी वेल सेड दैट प्राइड हैज अ फॉल, तो ये बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है कि जो घमंड होता है उसको क्या हो जाता है, हमेशा टूट जाता है। द बनियन ट्री फेल डाउन बिकॉज ऑफ इट्स प्राइड, whereas the humility of the weak shrub protected it, जो बनियन ट्री था वो क्या हो गया, फेल डाउन मीन्स नीचे गिर गया, किस लिए, क्योंकि अपने प्राइड, गर्व की वजह से, अपने घमंड की वजह से, जबकि जो विनम्र और कमजोर झाड़ी थी वो क्या हुआ, अपनी ह्यूमिलिटी के कारण, अपनी विनम्रता के कारण वो प्रोटेक्ट हुआ। ओके, तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का, बी हम्बल ऑलवेज, तो हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, एक्सप्लेनेशन स्टोरी का क्या है, द बनियन ट्री वॉज सो प्राउड दैट इट लॉस्ट इट्स लाइफ, जो बरगद का पेड़ था वो बहुत ज्यादा घमंडी था इसलिए उसने अपनी लाइफ खो दी। गॉड रेजेस द हम्बल,
भगवान क्या करते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं उन्हें ऊपर उठाते हैं, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, नो मैटर कि वो कितना बड़ा है या छोटा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कमजोर है या मजबूत है, गरीब है या अमीर है। इफ वी आर हम्बल गॉड ब्लेसेस अस, अगर हम हम्बल हैं, विनम्र हैं, भगवान हमें ब्लेसेस देता है, आशीर्वाद देता है। हम्बल वंस आर लव्ड बाय ऑल, विनम्र लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं। वन हु इज प्राउड हैज मैनी अदर इश्यूज लाइक जेलसी, हेटेड, एंगर। एक आदमी जो कि प्राउडी है, घमंडी है, उसमें दूसरे अदर इश्यूज भी होते हैं, जैसे जेलसी, जलन की भावना, नफरत की भावना और गुस्सा। एंड दीज आर ऑफ कोर्स नॉट लाइक बाय गॉड, और इन चीजों को भगवान लाइक नहीं करते हैं। बो डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड बी हम्बल, तो भगवान के सामने झुको और हमेशा विनम्र बनो। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।